डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट ICT में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे और इनको किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये बताएंगे। और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन 2012 से लेके 2020 तक रिपीट हुए हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें से आए हैं। सबसे पहले दोस्तों इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए और उसके बाद हम थ्योरी करेंगे और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजनेट है तो GRF है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जो हमारे एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने दिया हुआ, यहाँ पे ये दोस्तों डेसिमल में दिया हुआ है, 3 अंक दशमलव संख्या है, इसको हमें बिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर इन्होंने डेसिमल 17 को ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, यानी कि इसमें भी हमें कन्वर्जन करना है। और आगे मैं बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और अब ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने कहा है कि ए से एफ तक किसके अंदर यूज किया जाता है। और यही क्वेश्चन दोस्तों डिट्टो कॉपी में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से 2020 के अंदर रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए ए से एफ तक हम किसके अंदर यूज करते हैं, इसका आंसर ऐसी हेक्साडेसिमल के अंदर यूज करते हैं। और अब यही क्वेश्चन आपको मैं डिट्टो कॉपी दिखाने वाला हूँ कहाँ आया है। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, 2020 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। और डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हमारे, ये देखिए ये रहा हमारा, ये देखिए 24/9/2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ए से एफ तक सिस्टम किसके अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर इसका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आप अपनी आंखों से लाइव देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बहुत 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 बार कह चुका हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर 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 कीजिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए और क्वेश्चन आए हुए हैं, दशमलव संख्या 35 का द्विधारी समतुल्य क्या है, यानी कि हमारे पास डेसिमल संख्या 35 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये टॉपिक समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। और ये देखिए आगे फिर एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये देखिए जून 2015 के अंदर है और इसके अंदर ये रहा, ये देखिए डेसिमल नंबर 25 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 25। आप देख सकते हैं यार कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अभी तो देखिए मैंने 2015 तक दिखाए, उसके बाद और बहुत से क्वेश्चन हैं डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुए, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों आगे की वीडियोज़ में, हम ये सभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझना ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर की। ए बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट
डेट आर जीरो जीरो एंड वन। बाइनरी नंबर के अंदर दोस्तों दो डिजिट होते हैं हमारे पास, जीरो और वन। एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद जीरो एंड वन इन दिस नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों जो भी हमारी पूरी की पूरी डिजिट है वो जीरो और एक के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाएगी। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज टू। इसका बेस कितना होता है दोस्तों? बेस इसके अंदर टू होता है, ये टू होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो भी डिजिट है वो जीरो और वन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जितनी भी डिजिट है ये देखिए 101010 के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। और इसका बेस क्या है दोस्तों? बेस हमारा 2 होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है ऑक्टल नंबर है। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्तों? हमारे पास ओनली 8 डिजिट होती है। और 8 ये जो 8 डिजिट होती है दोस्तों 0 से लेके 7 तक होती है, ना कि 1 से लेके 8 तक नहीं होती, 0 से लेके 7 तक होती है। और ये एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें जो भी डिजिट होती है वो 0 से लेके 7 तक के बीच में होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, ऑक्टल के अंदर टोटल डिजिट कितनी होती है हमारी? 8 होती है, लेकिन वो किस कहाँ तक होती है? 0 से लेके 7 तक हमारी होती है, ना कि 8 तक, 8 तक नहीं होती, 0 से लेके 7 तक होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। और इसका जो बेस होता है दोस्तों, ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है? वो 8 होता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे ये डिजिट है एक 172 यहाँ पे दी हुई है, तो इसके अंदर जो हमारी डिजिट है वो क्या है? 172, यानी कि 0 से लेके 7 तक के बीच में ये हमारी डिजिट्स है। और इसका जो बेस है दोस्तों, बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना? 8 है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स होती है वो 10 होती है, और ये 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, जितनी टोटल डिजिट होती है उससे एक कम हमारे पास काउंटिंग हम करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल डिजिट कितनी होती है हमारे पास? 10 होती है, 0 से लेके 9 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, आप गलती मत कर देना इसके अंदर। और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है दोस्तों? बेस होता है इसका 10 होता है। जैसे ये देखिए ये रहा हमारा, ये आप देख सकते हैं 122, ये हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसका बेस कितना है? बेस यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, आगे हम बात करते हैं दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर की बात करते हैं। और इसमें से अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, 2014 में भी रिपीट हुआ है और 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ए हेक्साडेसिमल नंबर हैज 16 अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? 16 अक्षर होते हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। इसमें अल्फ़ाबेट भी होते और न्यूमेरिक भी होते, दोनों चीज़ इसके अंदर होती है। और 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक इसकी वैल्यू होती है। टोटल डिजिट हमारी कितनी होती है? 16 डिजिट इसके अंदर होती है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी होगी? ये होगी हमारी टोटल 10 वैल्यू होगी, 10 डिजिट्स होगी हमारी, ये 10 होगी। उसके बाद में ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये कितनी होगी? ये हमारी 6 होगी। 10 और 6 टोटल कितनी होगी? 16 वैल्यू हमारे पास होगी। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हेक्साडेसिमल डेसिमल। और इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों, ये देखिए 0 से लेके अगर हम 9 तक बात करें दोस्तों, तो ये तो 0 से लेके 9 तक ही होगी। और ए की वैल्यू 10 के इक्वल, बी की 11, सी 12, डी 13 और ई 14 और एफ 15। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, ध्यान रखना, ये आप काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो जाना। ए से लेके एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? एफ की वैल्यू होती है 15, और ए की वैल्यू कितनी होती है?
तो ये ध्यान रखना, तोड़ दूंगा मैं अगर आप ये भूल गए ना तो अच्छी बात नहीं है भाई। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, अगर फिर भी आप गलत कर देंगे ना तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, घर आके तोड़ूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलिए कोई नहीं, और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इनके बेस की बात करते हैं। तो बेस इसके अंदर जो होता है दोस्तों, बेस हमारा 16 16 होता है। और सभी को दोबारा से देख लेते हैं, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखिए, जैसे कि बाइनरी की बात करें दोस्तों, बाइनरी के अंदर जो डिजिट्स होती है 0 1 होती है, और इसका बेस कितना होता है 2 होता है। ऑक्टल की बात करें तो दोस्तों टोटल डिजिट कितनी होती है इसके अंदर 8 होती है, और 0 से लेके 7 तक होती है, और बेस कितना होता है 8 होता है। फिर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल होता है दोस्तों 0 से लेके 9 तक, टोटल कितनी होती है हमारे पास 10, और बेस भी कितना होता है 10 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो दोस्तों 0 से लेके 9 तक होती है, और ए से लेके एफ तक इसकी वैल्यू होती है, और इसके अंदर टोटल कितने होते हैं दोस्तों डिजिट हमारी 16 होती है, और बेस कितना होता है 16 इसका होता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, और ये सभी चीज़ें याद होगी ना दोस्तों, आप जैसे तैसे करके कैसे भी मुझे नहीं पता आप याद कर लेना। आप चाहे इंजेक्शन लगवाइए, चाहे आप घूंटी पीजिए इसकी, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे 2012 से लेके 2020 तक क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, जैसे कि आईसीटी के आज तक जो भी क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इसके साथ साथ आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कन्वर्जन की, बात करते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ये चीज़ आई थी ना शुरू के अंदर, मैं बता देता हूँ, जैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब इसी पे बात करते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको देखनी पूरी है, पूरी देखनी है। मेरे से चाहे पैसे ले लियो यार, देखने के पैसे ले लियो, लेकिन सीख के ज़रूर जाना, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। अब हम सबसे पहले कन्वर्ट बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है 1101 और बेस 2 दिया है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहाँ सो रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। बाइनरी नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1101 दिया हुआ है। ये देखिए स्टेप एक, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दे लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स दी हुई है 1101 दी हुई है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 1101 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में हमारे पास बेस कितना है दोस्तों, बाइनरी नंबर में बेस कितना होता है 2 बेस होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन ये जितनी भी हमारे पास डिजिट है उनके नीचे 2 2 लिख देंगे, और उनकी पावर 1 2 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, 1 के नीचे 2 लिख दिया, फिर 0 के नीचे 2 लिख दिया, फिर 1 के नीचे 2 लिख दिया, यानी कि सभी के नीचे हमारा जो ये बेस है ना, बेस 2, ये सभी के नीचे लिखते जाएंगे, उनकी पावर हम 0 1 2 3 यहाँ पे कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, आ गई ना, आ गई होगी। चलिए थैंक यू, वेरी गुड। देखिए अब किसी भी, कोई भी हमारे पास डिजिट है, ध्यान रख लीजिए आप, कोई भी हमारे पास डिजिट है उसकी पावर अगर हम 0 करें, किसी भी डिजिट की पावर 0 करें तो वो इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। जैसे मान के चलिए हमारे पास 8 है, 8 की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है ये देखिए, ये हमने 1 1 के नीचे 2 लिखा, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये लिख लिया हमने। यहाँ तक हमने ये काम किया है, ये काम हमने कर लिया।
अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नंबर दो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हमारी पावर है ना, पावर को हम कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने कहा था ना, किसी भी डिजिट की पावर अगर जीरो होती है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए टू की पावर एक, दो की पावर एक किसके बराबर हो गया, दो हो गया। अब देखिए दो की पावर दो किसके बराबर हो गया, चार हो गया। अब कई दोस्तों को पावर के बारे में अगर ना पता है तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए टू की पावर थ्री है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, टू की पावर थ्री का मतलब ये है दो को तीन बार गुना करना है, दो गुना में दो गुना में दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार और चार दुनी आठ, यहाँ पे हमारे पास आठ आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक आया क्या, आ गया, वेरी गुड। चलिए किसी को नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं जी। इसमें क्या होगा देखिए, नंबर स्टेप एक के अंदर, स्टेप एक के अंदर क्या होगा, जो हमारी बाइनरी डिजिट दी हुई है, बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है, वो हम पहले इसे सिंपल इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में इनके नीचे जो हमारा बेस कितना है, बाइनरी के अंदर टू बेस होता है, तो दो लिख लेंगे, दो 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 दो, जितने भी हमारे पास यहाँ पे डिजिट है उनके नीचे दो दो लिख लेंगे, उनकी पावर लिखेंगे जीरो एक दो तीन, इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पे आगे होता तो हम बढ़ाते, लेकिन हमारे पास चार ही है तो चार चार बार दो लिखा और उनकी पावर लिख दी। अब इन पावर को हम दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, इन पावर को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, टू की पावर जीरो है और किसी भी डिजिट की पावर अगर जीरो होती है तो वन के इक्वल होता है, दो की पावर एक दो, दो की पावर दो, दो दूनी चार, दो की पावर तीन किसके इक्वल है, आठ के इक्वल है। नंबर एक स्टेप समझ में आ गया ना, आ गया ना, वेरी गुड, शाबाश, ट्रॉफी मिलने वाली है जिन जिनको समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश जी। चलिए अगला ये देखिए, स्टेप नंबर टू है हमारे पास। इसके अंदर स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होगा कि ये जो हमने लिखी थी ना दोस्तों, ये जो पावर कन्वर्ट करके हमने लिखा था, इसको हम ऊपर वाले से गुना कर देंगे। रुकिए, ये देखिए अब जो हमारे पास ये रिजल्ट आया था पावर को कन्वर्ट करने के बाद में, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये ऊपर वाली चीज़ थी हमारी, डेसिमल वाली चीज़ें थी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, ये जो हमारी आई थी पावर में कन्वर्ट करने के बाद, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा, जीरो को दो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक को चार से करेंगे चार आ जाएगा, एक को आठ से करेंगे तो आठ आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, अब इन दो इन सभी को हम प्लस कर देंगे, स्टेप नंबर थ्री के अंदर इन सभी को हम प्लस कर देंगे। आठ जमा चार कितना हो गया, बारह, जमा में एक कितना हो गया, तेरह, आंसर आ गया। यानी कि ये जो है हमारा आंसर ये आ जाएगा 1101, बाइनरी नंबर को जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 13 डेसिमल नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हैं दोस्तों, और स्टेप नंबर टू और थ्री एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये हमने पावर में कन्वर्ट किया था, पावर में ये कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वन को वन से करेंगे वन, टू को जीरो से करेंगे जीरो, चार को एक से करेंगे चार, आठ को एक से करेंगे आठ, और अब इन सभी को नंबर थ्री स्टेप के अंदर प्लस कर देंगे। तो इतना आसान है जी, ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। और अब देखिए एक मैं आपको असाइनमेंट क्या दें, आपको असाइनमेंट दूंगा मैं आपको ऐप के अंदर दूंगा, ऐप के अंदर दे देंगे वहाँ पे, ठीक है, या फिर हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, आप करके देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, आप वो करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो हम लाइव क्लास लेंगे और लाइव क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा, और जिनको नहीं आएगा तोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, बहुत तोड़ूंगा मैं तुम्हें, घर आके तोड़ूंगा, समझ लो, अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप हमें ऐप के अंदर बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे पास है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करना है। अब देखिए हमारे पास चीज़ें आ गई, क्या आ गई, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ऑक्टल में बात की थी, बेस कितना होता है आठ, और जीरो से लेके सेवन तक इसमें डिजिट हो सकती है, ठीक है,
चलिए अब हमारे पास ऑक्टल नंबर है 1121, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो नंबर एक स्टेप हमारे पास क्या था दोस्तों, नंबर एक स्टेप ये था कि यहाँ पे जितना भी बेस है ना, बेस कितना है हमारे पास 8 है, ये देखिए ये रहा हमारे पास 8 इसका बेस है, तो इन सभी के नीचे 8 8 लिख देंगे दोस्तों, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनकी जो पावर है पावर को हम कन्वर्ट करेंगे। 8 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 0। अरे घुसा लगेगा 1, मैंने बताया नहीं था कोई भी डिजिट है, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। वेरी गुड, आगे समझ में। और 8 की पावर 1 8 हो गया, 8 की पावर 2 8 8 64 होता है भाई, गलत मत करो। और 8 की पावर 3 किसके इक्वल होगा, 512। 512 कैसे आ गया, 8 की 24 आना चाहिए, पिटोगे क्या, 8 की पावर 3। अरे भाई साहब रुकी बताता हूँ, 8 की पावर 3 8 गुना में 8 ये देखिए 8 8 64, ठीक है। 64 को फिर 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 नहीं आ जाएगा क्या, पगले कहाँ खोए हुए हो जी। वेरी गुड, ये हमारे पास आ जाएगा पावर में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पावर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, पावर में कन्वर्ट करने के बाद। और स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या था कि ये जो पावर में कन्वर्ट करने के बाद जो आया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आ रहा ना याद, वेरी गुड। अब देखिए इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 आ गया, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया, 512 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ गया। और नंबर 3 स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, 512 प्लस में 64 प्लस में 16 प्लस में 1, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 593 हमारे पास आ जाएगा जी, है ना। तो हमारे पास ऑक्टल नंबर 1121 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा, 593, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गई समझ में, आ गई, वेरी गुड। और इन भाई साहब को नहीं आई, ये देखो ये सोच रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ, ये बहन जी देखो कितनी कंफ्यूजिंग है ये बहन जी, है ना। चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और जिनके समझ में आ गए वो वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर की जो बेस होता है हमारे पास 8 होता है, 8 8 8 8 8 लिखेंगे सभी के नीचे, और उनकी पावर 0 1 2 3 ये लिख देंगे, और इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे, ये पावर को कन्वर्ट करेंगे। पावर को कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 8 और 64 और 512 आ जाएगा, यहाँ पे 512 आ जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आई है वैल्यू आई है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये जो हमारे ऑक्टल नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इन सभी को फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर ऐड कर देंगे, है ना। कितना आसान है यार, कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है, वेरी गुड, क्या बात। चलिए आगे, हम आगे एक और रहता है हमारे पास, क्या रहता है हमारे पास, रहता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर जी, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं और अभी मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 पे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है, बिल्कुल हम आसान बना देंगे इसको, ठीक। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना इसमें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर AC9 दिया है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, हमें कन्वर्ट करना है। और ये देखिए हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है दोस्तों, बेस कितना होता है 16, कितना होता है 16 हमारा बेस होता है, ठीक है। नंबर एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसका बेस कितना होता है ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए वेरी गुड, हेक्साडेसिमल नंबर का 16 नंबर बेस होता है। अब देखिए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, नंबर एक चीज़ ये आती है दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ी थी हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो डिजिट होती है 0 से लेके
सेवन तक होती है, और ए से लेके सॉरी 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 0 से लेके 9 तक होती है, और ए से लेके एफ तक होती है। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, ये चीज़ पढ़ के आए हैं। अब देखिए हमारे पास है ए सी 9 है, 9 की वैल्यू 9 है ये हमें पता ही है, ए की वैल्यू 10 है ये मैंने ऊपर बताई है, घूसा लगा दूंगा खींच के, बोल रहे हो ऊपर बताइए मैंने आपको, ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 12 है, 12 है, ठीक है। सबसे पहले हम इनको रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, रियल डिजिट्स के अंदर, रियल वैल्यू के अंदर इनको कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर एक। नंबर दो पे हम फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, वही रामायण शुरू हो जाती है जो हम अभी करके आए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मान के चलिए हमारे पास रियल वैल्यू आ गई है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए बेस कितना था हमारे पास, बेस था 16। अब देखिए 16 लिख दिया, 16 लिख दिया, 16 लिख दिया, और इनकी पावर लिख दी 0, 1, 2, 0, 1, 2, ऐसे हमने पावर लिख दी क्योंकि 3 ही डिजिट है, तो 3 बार 16 16 लिखा और उनकी पावर 0, 1, 2 लिख दिया। अब हम बात करते, अब क्या करेंगे, ये जो पावर है पावर को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 16 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0, 1, वेरी गुड, शाबाश, समझ गए भाई आप तो, वेरी गुड जी, 1 आ गया। फिर 16 की पावर 1 ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 की पावर 2, 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये स्टेप नंबर एक, कई बार रटवा दिया है, तोड़ दूंगा अगर भूल गए तो, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास पावर में कन्वर्ट करने के बाद। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, ये जो पावर कन्वर्ट करने के बाद आई है ये इसको हम रियल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर आ गई, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से करेंगे 9 आ जाएगा, 16 को 12 से गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा, और 256 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 हमारे पास आ जाएगा। और स्टेप नंबर थ्री में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री में इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, वेरी गुड, आ गया ना समझ में, कितना आसान है यार, कितना आसान है, कितना आसान है ना जी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश जी। चलिए एक बार फिर से समझाऊं, समझा दूं, चलिए जल्दी से मैं समझा देता हूँ। ए सी 9 है और इसकी जो बेस है दोस्तों 16 है। सबसे पहले हम ए सी 9 को रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 9 9 होता है, सी की वैल्यू 12 होती है, ए की वैल्यू 10 होती है, और उसके बाद में हमारे पास बेस 16 है तो 16 16 16 लिखेंगे, और इनकी पावर 0 1 2 लिख दिया, और इन पावर को हम कन्वर्ट करेंगे, 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256। अब ये जो हमारे पास पावर कन्वर्ट करने के बाद डिजिट आई है इनको हम ये जो रियल वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इनको 9 से 1 से किया 9 आ गया, 12 को 16 से किया करेंगे तो 192, 10 को 256 से करेंगे तो 2560 आ गया। और स्टेप नंबर थ्री के अंदर क्या करेंगे, इन सभी को हम मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी 9 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2761 डेसिमल नंबर इसका आ जाएगा। अच्छा भाई आ गया आप सभी को समझ में, अच्छे से समझ में आ गया जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और अब आप सभी के लिए एक टास्क दे के जा रहा हूँ, और जो भी इस टास्क को करेगा, इस क्वेश्चन को करेगा, उसको मैं कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवाऊंगा, सच्ची में मेरी मोदी से डायरेक्ट जान पहचान है, ठीक है। चलिए 1 1 0 0 1 0 ये हमारा है दोस्तों, क्या है हमारा, बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन मार्क हो गए, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है, आगे बात समझ में। 1 1 0 0 1 0 ये हमारा बाइनरी नंबर है, बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, और जो भी हमारा बहन भाई इसको करेगा उसको कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे, मोदी से मेरी डायरेक्ट जान पहचान है, फिर मत बोलना कि मेरे को बताया नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी दोस्त जो जो क्वेश्चन कर ले वो अपने
अपने आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालना। मैं देखता हूँ कितने कितने लोग कर पाते हैं, कितने दोस्त कर पाते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो जैसे हमने क्या किया था, अभी हमने किया था कि बाइनरी टू डेसिमल किया था, ऑक्टल टू डेसिमल किया था, अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और एक मिनट रुकिए। हाँ जी, डेसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। ठीक है, तो आप देखना, नेक्स्ट वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, और इससे रिलेटेड और भी मैं बहुत क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, और आपके भेजे में ना घुसा के छोड़ूंगा मैं, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्लस में आपको 2012 से लेके 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जीआरएफ है।